अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना किचन खजाना। आज की हमारी रेसिपी है छोले मसाला। तो ये मैंने कुकर लिया है, उसमें 3 चम्मच ऑयल डाला है और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। इसको कट करके हमको इसको डालना है और हल्का हल्का सा फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखिए, ये प्याज हल्का हल्का सा हमारा हो गया है। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। इसको भी हमको फ्राई करना है, इसकी स्मेल ख़त्म होने तक यानी इसका कच्चापना ख़त्म होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज हमारी भून चुकी है और उसमें हमने अदरक लहसुन पेस्ट जो डाला था वो भी भून चुका है। अभी मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करना है मसाले को। ये देखिए, हमारा मसाला थोड़ा पक चुका है। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। ये भी घर में बना हुआ ही गरम मसाला है। इसके बाद मैंने 2 टमाटर पीस के ले लिए थे मिक्सी में, ये इसमें डालना है और इसको भी अच्छे से भूनना है। इसको अच्छे से भूनना है, जो ये टमाटर का पेस्ट जो बनाया था इसका पानी जो है वो सूख जाने तक के इसको भूनना है। ये तेल छोड़ दे मसाला, तब तक हमको भूनना है। और नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, मैंने 1 चम्मच डाला है। और फिर इसको अच्छे से भूनिए। और छोले अगर कुकर में ही बनाओगे तो अच्छे से बनेंगे, या तो आप पहले बॉईल करके ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ मसाले के साथ में, ये बनेंगे तो अच्छे लगते हैं। ये मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी, वो डाला था। अभी ये कड़ी पत्ता और हरा धनिया है, ये इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तेल छोड़ने तक के पकाना है हमको, पानी सूख जाए और पूरा तेल जो ऊपर आ जाए। ये देखिए, ऐसा हो चुका है हमारा मसाला। और मैंने इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है, जैसे कि आपने देखा मैंने छोले मसाला और मार्केट से जो मिलता है वो सब मसाला इसमें नहीं डाला है। फिर भी हमारे छोले बहुत अच्छे बनेंगे, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दिखने में भी नहीं खाने में भी टेस्टी लगेंगे। और जो छोले हैं वो 5 घंटे के लिए हमको भिगो के रखना है, यानी वाइट काबुली चना जो आता है ये मैंने 5 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। अब ये हमको इसमें डालना है और इसको अच्छे से भून लेना है मसाले में ही। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये अच्छे से भून लेना है हमको और पानी जितना आपको चाहिए उतना डालिएगा। मैं 1 पानी डालकर इसको रखूँगी। अगर आपको सूखा रखना है तो आप सूखा भी रख सकते हो। मैंने इसको ग्रेवी टाइप बनाया था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसको रखा था। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी कुछ डाला था और कुकर की सीटी 2 या 3 लीजिएगा, मैंने 3 ली थी। और देखिए, 3 सीटी के बाद हमारा छोले मसाला रेडी हो चुका है और उसको चेक कर लेंगे, ये गल चुका है। फिर उसके बाद मैंने इसको, जैसे कि मैंने बोला आपको मुझे ग्रेवी टाइप चाहिए था इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और हमारी डिश रेडी हो चुकी है। बनाइए,